फ्रेंड, स्वागत है कि नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है Redmi 3। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ फ्रेंड कीबोर्ड माइक को कैसे इनेबल करें। जी हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। और मेरे पास कमेंट्स आया था फ्रेंड कि मैं कीबोर्ड माइक को कैसे इस्तेमाल करूँ, सर मेरे कीबोर्ड में माइक ही नहीं है तो उसे कैसे इनेबल करूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले कीबोर्ड को आपको ओपन कर लेना है, कहीं से भी कर ले, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, कहीं से भी कर ले। आपको खाली कीबोर्ड को आपको ओपन करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कीबोर्ड ओपन कर लिया है, कीबोर्ड को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन दिख रहा है, ये आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो माइक जैसा दिख रहा है, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने कीबोर्ड ओपन किया, यहाँ पे माइक नहीं है, ठीक है। तो इसको सेटिंग्स को दोबारा से मैं ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद फिर दोबारा से वहीं चले जाते हैं और यहाँ पे जो है इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब मैं दिखा देता हूँ, ये माइक जो है इनेबल हो चुका है। इस पे जैसे देख सकते हैं ये माइक इनेबल हो चुका है। तो आप इसी तरह से माइक को इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में आपने सीख लिया माइक को कैसे इनेबल करते हैं कीबोर्ड माइक को। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें और किसी भी फोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या आपको UPI से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।